कितना चाहिए तुम्हें पैसा? आप कितना दे सकते हो ताकि मैं केस पक्का भले कैसे भी करके ना कैसे भी करके मैं जीता सकूं? कितना चाहिए तुम पैसा, कुछ तो बताओ, अपनी डिमांड बताओ, मैं पूरी करती हूँ। मैम देखो, डिमांड ये है कि देखो, आप की जो तलाक वाला मामला है वो भी मैं सॉल्व करवा दूंगा, बाकी आपके ऊपर जो आरोप लगे वो भी मैं सॉल्व कर दूंगा, बहुत सारी धाराएं लगी हैं तो वो मैं सारी चीजें सॉल्व करूंगा। अगर आपको 14 तारीख को कोर्ट में भी अगर आप फ्री ना हो तो नहीं आओ, कोई दिक्कत नहीं। आप पैसे मुझे कितना दे सकते हो? आपको पैसा चाहिए कितना, मैंने ये पूछा है पहले, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, कितना चाहिए, कितना चाहिए तुम्हें? 15,000? जी हाँ। तुम किसी को भीख दे रही हो क्या? 15,000 बोल रहे हो आप? 15,000 भीख नहीं दे रही, किसी भी कोर्ट में जाओ, कोर्ट जो केस लड़ते हैं ना 6,000-7,000 रुपए ही लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते। मैंने आपको 15 बढ़ाकर ही बोला है, ठीक है? बाकी अपनी भी डिमांड बताओ, कितना तुम्हें पैसा चाहिए? मैम देखो, आपने जो बोला और मैं भी सुन रहा हूँ वो मैं शॉक हूँ कि 15,000, तुम क्या, ये कोई फीस होती है? ये तो एक 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 तारीख की फीस होती है, और मैं तो पूरा केस का बोल रहा हूँ, पूरे केस लड़ने की मैं पैसे की बात कर रहा हूँ। आप कितना चाहिए तुम्हें? 1,00,000, 2,00,000, 2.5 लाख, कितना चाहिए? वापस से वही बात कर रहे हो, कोई 2.5 लाख फीस होती है क्या मैम? ये बताओ आप, तो आप बताओ ना कि कितना चाहिए तुम्हें, उससे बताओ। मुझे चाहिए करीब 80 से 90 लाख रुपए चाहिए। अच्छा हाँ, इतने छोटे केस के लिए तुमने इतने पैसे मांग लिए? अच्छा, मतलब आपको 80-90 लाख राज नहीं आए, मतलब आपको ज्यादा लग रहे हैं? ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। ठीक है मैडम, देखो हम तो ठीक है, फिर मैं तो यही बोलूंगा कि मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए, आपसे हो पाता है तो हमें बताइए तुरंत, नहीं हो पाता वो भी बताइए, हम दूसरा वकील करेंगे, ठीक है ना? आपसे कम पैसों में ही वो मेरा पूरा काम कर देगा। मैम देखो, कम पैसे में अगर कोई कर रहा है ना तो कहेंगे ये होता है कि वो लास्ट में ये बोलेगा कि आप हार गए हो, ठीक है? देखो, पैसों के बिना कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? तो ठीक है, तुम्हें कितना पैसा चाहिए ना उतना ले लो, ठीक है? मैं बता तो रहा हूँ, इतना आप दे पाएंगे? हाँ मैं बिल्कुल दूंगी, पर मेरा केस पूरा सॉल्व होना चाहिए, और ना मैंने कोर्ट में आऊंगी एक भी दिन, आपको ही लड़ना है, सब कुछ आपको ही करना है, ऐसा ना हो कि मैं हार जाऊँ, ठीक है? अगर मैं हार गई ना तो मैं सबके सामने बोल दूंगी कि इसने मेरे से इतने पैसे डिमांड करे थे, फिर ऐसा करा था इसने। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा करो फिर, कल परसों तारीख है, आप कल आके मिल सकते हो मुझे एक बार? अब मिलने की क्या आफत आ गई इसमें? नहीं, कुछ तो एडवांस दूंगा ना मैं कैश पैसे लूंगा मैं, ना कि मैं ऑनलाइन लूंगा, मैं कैश लूंगा, तो थोड़े बहुत तो आप एडवांस कर सकते हो। देखो मैं ऑनलाइन करती हूँ और ऑनलाइन ही दूंगी मैं। मैम ऑनलाइन देखो, ये रिश्वत वाली बात होती है ना, वो ऑनलाइन नहीं दी जा सकती, समझो इस बात को। तो आप आदमी तो ऐसा भी बोल सकते हो कि तुमने पैसे नहीं दिए तो फिर मैं क्या करूंगी, ऐसे मेरे पास भी तो सबूत आएंगे ना। नहीं, सबूत की बात ठीक है, लेकिन देखो अगर आप इस तरह की बात करोगे तो काम नहीं जम पाएगा, क्योंकि देखो ऐसे जो पैसे होते हैं ना वो ऑनलाइन नहीं लिए जाते, वो कैश में ही सारी चीजें की जाती है। ठीक है, बताओ कितने बजे तुम मिलोगे सुबह? आप मुझे कल मेरे ऑफिस आ जाना 12 बजे के करीब, ठीक है? ठीक है, और कुछ पैसे लेके आना, और कोई साथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, फिर सुबह मिलते हैं, ठीक है? पर कैसे भी करके ये